All right, so what's up everyone? Hope you guys are doing absolutely fine. So अपनी बाइक काफ़ी दिन बाद आई है एंड इसमें मैंने RC 200 का स्पॉकेट डलवाया, तो किसी को उसका रिव्यू देखना है तो बताना. आज ऐसे ही जा रहे हैं, थोड़ा नाइट वगैरह के रील निकालेंगे और आपको इट्स लेयर के पास गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो उसके लिए फ्यूल लिया है यहाँ से एक्चुअली. और मेरा एक्चुअली पीछे का जो नंबर प्लेट है वो अंदर है, और एक लेडी ऑफिसर थी तो वो काफ़ी ज़ोर देख रही थी मेरे को. यहाँ अभी तक मेरे को सर्विस ज़ीरो किलोमीटर दिखा रहा है, बट मेरा सर्विस हो चुका है एंड मैं ऑथराइज से नहीं करवाया था, बाहर से करवाया था, जिसके वजह से ज़ीरो दिखा रहा है. अब इसका देखना है कि क्या करना है, हिसाब मेरे को आइडिया तो है नहीं. निकले थोड़ा सा लेट है. अरे एक्चुअली वो बहुत कुछ रहा है लाइफ में, कुछ ठीक ही नहीं चल रहा है. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा घर वाला इस ख़राब टाइम में मेरे को मेरा बाइक वापस मतलब बनवा के दे दिया. मेरा एक रुपया नहीं है कुछ, जो मेरा घर वाला करवा के मेरा बाइक मेरे को वापस दिला, टू बी ऑनेस्ट. एंड अभी कुछ सीन हुआ है मेरा लाइट के साथ, देख रहे हो वायर वगैरह बाहर है, सो आज वो भी ठीक करवाएंगे, चलेंगे. हेलो भाई, अनफॉलो मार देगा हमको बहुत जल्दी ऐसे करेगा तो. कंटेंट छापे यार. शरम वरम आता है रे, तेल उल नहीं रखता. हम मच गए, मेरे को कॉल करता है कि भाई तेल नहीं है गाड़ी में, तेल लेके आ. आप जाके फ्यूल अप करवाया. We were missing this. मेरा छोटा स्प्रॉकेट है, उसके चक्कर में चिराग निकला बहुत तेज, बट कोई ना. तो चलते इसका भी कटिंग वगैरह देखते. फंसा मत मेरे को गाइस. हेलो गाइस, डोंट ब्लॉक मी. अरे
हम अटक गए थे बीच में, हम अटक गए तो कोई जगह ही नहीं था। हाँ, देखे थे।